हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो दोस्तों, आज दिन है बृहस्पतिवार का और अभी सुबह सुबह का टाइम है, 7 बजे हुए हैं। बानी जा चुके हैं स्कूल, मैंने बनाई यहाँ पर कॉफ़ी। रात का दूध कल फट चुका था तो अभी थोड़ा सा कॉफ़ी के लिए लेके आए थे। और यहाँ पर सब्ज़ी बनाई है मैंने आज अरबी की। अरबी दोस्तों कभी कभी ऐसी निकल जाती है ना, 5-6 सीटी में भी नहीं बनती है, कभी कभी 1-2 सीटी में ही उसका हलवा बन जाता है। तो कुछ इस तरीके का ही आज हमारे साथ भी हुआ, तो 1 सीटी में ही कुछ इस तरीके की पक गई कि उसकी सूखी सब्ज़ी बनाना बहुत ही इम्पॉसिबल हो गया। तो यहाँ पर ग्रेवी वाली बनानी पड़ी, किसी को भी पसंद नहीं आती हमारे घर में ये ग्रेवी वाली सब्ज़ी। तो यहाँ पर किचन में पूरा मैस फैला हुआ है क्योंकि बानी के लिए अभी खाना पीना बनाया था। तो चलिए हम लोग पीते हैं अपनी कॉफ़ी और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो गया है दोपहर के, 2:30 बज चुके हैं और बानी आ गई है स्कूल से, 1 बजे आ गई थी ये तो। लेकिन अभी तक हमने लंच वगैरह नहीं बनाया है, इसका मन नहीं हो रहा था खाने का। अब बोल रही है मम्मी बना दो, भूख लग रही है, तो तब से बोल रही हूँ बना दो खाना करके। तो ये नहीं बोल रही थी, अब इसको भूख लग रही है, अब बोल रही है मम्मी कुछ बना दो करके। तो खाना बनाऊँगी, रोटी बनाऊँगी, सब्जी तो सुबह की पड़ी हुई है और ये दोनों लगे हुए हैं। दीविशा क्या कर रही हो बानी, क्या है ये? तो यहाँ पर बैठे हुए बानी और दीविशा, और बानी कुछ दिखा रही है। बानी क्या दिखा रही बेटा, क्या किया था कह रही है इसमें आज स्क्रैप बुक में, दिखाइए। ये तो पुराना है, आज का क्या है? वाह, बोर्ड बनाई थी। हाँ, वो ना कल बनाई थी ना, फिर मैंने चिपका दी थी। अच्छा, कल नहीं चिपकाई थी सब बच्चों की, इसलिए अब चिपका दी है। जो बच्चे स्कूल नहीं गए होंगे उनकी की होगी ना आज। किसी ने कुछ बोला आपको स्कूल क्यों नहीं आए करके? बोला। किसने किसने बोला? मैम ने भी बोला और तनीसा ने भी बोला। अच्छा, फिर आपने क्या बोला? मैंने बोला मैं तो मैं तो क्या, मेरी आँख ठीक नहीं थी। अच्छा, दिविशा तुम क्या कर रही हो? क्या भूख लग रही है? भूख क्या खाओगा? क्या खाएगा तू? चोचो। चलो मम्मा खाना बनाने जा रही है, ठीक है? ठीक है, दिविशा क्या खाता है? चोचो। इनकी लड़ाई होने वाली है दोस्तों, अब थोड़ी देर में इनकी ऐसी, पहले एक दूसरे को चिढ़ाते हैं और फिर ये दोनों भिड़ जाते हैं। दीदी नहीं बेटा नहीं, फिर लड़ाई करते हो ना, नहीं करना। मम्मा हाँ मम्मा, ओए डांच हो गया रे, अब हो गया डांच, वो गिर गई। अब पाल हो गया दीदी के चार, दीदी के चार पाल हो लाए। अब 1 मिनट में प्यार, 1 मिनट में लड़ाई। लड़ो वाटरमेलन, वो जो मेलन बोलो, वाटरमेलन क्या तू? ये कैरेट तो यहाँ पर मैं ले आई हूँ लंच। तो मैंने बस रोटी अभी बनाई है, सब्जी मेरी सुबह की ही पड़ी थी। दिविशा के लिए दूध बना के लाई थी, लेकिन दिविशा को किसी भी हाल में दूध पिलाना मतलब बहुत बड़ी जंग जीतना है, ये नहीं पी रही है बोतल से दूध वगैरह ना। बहुत कोशिश कर ली मैंने, चाय पत्ती डाल के, कॉफ़ी, किसी ने बोला बॉर्नविटा, जो मतलब जिसने जो बताया वो सब करके देख लिया है। दिविशा बोतल से दूध बिल्कुल भी नहीं ले रही है, बस थोड़ा थोड़ा मैं इसको खिलाने की कोशिश कर रही थी रोटी वगैरह। तो ये एक आध टुकड़ा खाती है लेकिन खाना वगैरह नहीं खा रही है। बानी तो खा लेती है, बानी खाना खाने में परेशान नहीं करती है, जितना भी उसे खाना होता है वो खा लेती है। तो इन दोनों को यहाँ पर मैं खिला रही हूँ खाना और साथ साथ अपना भी खा रही हूँ, तो बस हमारा तो ऐसे ही चलता है।
तो दोस्तों अभी टाइम हो गया शाम के 6:30 और मैं बना रही हूँ यहाँ पर ये वेज हक्का नूडल्स। आप लोगों को तो पता ही मुझे चाउमीन कितनी ज़्यादा पसंद है, तो मैं बनाते रहती हूँ घर में। तो मैंने ये छोटा वाला पैकेट लिया है और यहाँ पर मैंने पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है, साथ में शिमला मिर्च प्याज भी ले ली है और ये पैकेट को कर लिया है ओपन कुछ इस तरीके से। इतनी क्वांटिटी इसकी आती है और इसको बिना तोड़े हमें पानी में डाल देना है। तो पानी में अच्छा बॉईल आ गया है, देख सकते हैं आप लोग। तो मैंने यहाँ पर ये डाल दिया है, तो कुछ इतना इसके अंदर आता है। थोड़ा बहुत टुकड़े हो चुके हैं तो उसे भी हम इसमें डाल देंगे और इसे हम अच्छे से बॉईल होने के लिए छोड़ देते हैं। और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल जिससे कि ये आपस में चिपके ना। तो यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है, तो इसे उबलने देते हैं। तब तक अपने शिमला मिर्च और प्याज को कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से प्याज और शिमला मिर्च को कट कर लिया है। तो आप अपने मतलब पसंद के अनुसार कोई और भी वेजिटेबल्स जो भी आपको पसंद है इसमें ऐड कर सकते हैं, कैरेट, कैबेज या फिर पनीर वगैरह। तो यहाँ पर देखिए ये अच्छे से बॉयल हो गए हैं चिमटी की सहायता से मैं देख रही हूँ। तो अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। तो अगर स्ट्रेनर है आपके पास तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप इस तरीके से मेरे जैसे छलनी का यूज़ करके इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक परात और इसमें मैंने डाला है ठंडा पानी। ठंडा पानी डालने से ये आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकती हैं। तो यहाँ पर ये ठंडा पानी डाला मैंने, लेकिन अभी ये गर्म है तो ये भी गर्म हो गया। तो मैं एक दो पानी से और धो लूँगी ठंडे पानी से। तो मैंने इसमें फिर से ऐड कर दिया है ठंडा पानी। तो आप लोग ये बर्तनों को इग्नोर करना दोस्तों, आप सोचोगे सिंक में हमेशा बर्तन पड़े ही रहते हैं, अब क्या करें बर्तन हो ही जाते हैं कुछ बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और ये अब खिले खिले दिख रहे होंगे आप लोगों को। तो अभी हम इसमें थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे, कुछ इतना मैंने ऑयल डाला है और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे आपस में। तो अब ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे और अब हम चलते हैं इन्हें बनाने के प्रोसेस में। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई पहले से ही चढ़ा दिया गैस पर, कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। इसमें डाल दिया मैंने थोड़ा सा ऑयल। तो मैंने यहाँ पर सरसों का ऑयल डालना चाह रही थी लेकिन मेरे से रिफाइंड का चले गया पहले, तो फिर मैंने थोड़ा सा सरसों का भी ऐड कर दिया है। साथ में डाल दिए हैं ये कटे हुए प्याज और इन्हें हम अच्छे से चला लेंगे। साथ में ही हम इसमें डाल देंगे ये कटी हुई शिमला मिर्च। तो हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं कुक करना है, इसे हाफ कुक होने देना है। जैसे देख सकते हैं आप लोग थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया ना, बस इतना ही हमें इसे कुक करना है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये अपने नूडल्स। तो मुझे यहाँ पर क्वांटिटी नूडल्स की ज़्यादा लग रही थी, समझ नहीं आ रहा था कितना डालूं, फिर मैंने सारा ही डाल दिया। पहले मैं इसे बचाने का सोच रही थी तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है नूडल्स। और अब हम इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है, उसके बाद मैं यहाँ पर डालूँगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा किचन किंग मसाला डाल रही हूँ। और अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सोया सॉस और इसमें डालेंगे हम विनेगर। तो ये है विनेगर, थोड़ा सा और विनेगर डालते हैं, विनेगर से ही चाउमीन का टेस्ट अच्छा आता है। और साथ में मैंने यहाँ डाली है ग्रीन चिली सॉस और थोड़ा सा रेड चिली सॉस डालूँगी। तो अगर आप लोग बहुत ज़्यादा चटपटा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें ग्रीन चिली वगैरह भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाली है क्योंकि बच्चे भी खाने वाले हैं। तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि ग्रीन चिली सॉस रेड चिली सॉस ऐड करने वाली हूँ तो नहीं डाला। तो यहाँ पर हमने अच्छे से मिक्स कर लिया इसे और ये बहुत ही अच्छे तरीके से बन चुकी है। थोड़ा इसको मिक्स करने में दिक्कत होती है, वैसे तो आप देख सकते हैं बिल्कुल खिली खिली चाउमीन बन के तैयार हुई है, लेकिन अब जो प्रोफेशनल तरीके से बनाते हैं उन लोगों को प्रैक्टिस होती है। हम लोग अब कभी कभी बनाते हैं तो फिर हमें थोड़ा सा इसे मिक्स करने में दिक्कत होती है। वैसे तो मैंने दो कड़छी ली हैं, फिर भी मुझे मिक्स करने में इसे दिक्कत हो ही रही थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी बनके तैयार हुई है। देख सकते हैं आप लोग जैसे घर में बनी है, तो फिर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा मतलब दिख रहा है, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रही थी। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो? अगर थोड़ा सा भी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ पर हमारी चाउमीन बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। तो मैंने यहाँ पर लगा ली है प्लेट, तो कुछ इस तरीके से बनके तैयार हुई है। आपके मुंह में पानी आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक का बटन दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अब हम लोग खाते हैं। तो यहाँ पर मैं बैठ चुकी हूँ खाने के लिए, मेरे से तो वेट ही नहीं हो रहा था। और बच्चे लोगों ने भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है चाउमीन को आज। तो यहाँ पर बन के पापा से पूछते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा मतलब खुश हो गए थे। तो यहाँ पर वो भी बोल रहे थे कि तुमने आज पूरे चाइनीज़ कॉर्नर का रिकॉर्ड तोड़ दिया करके। और बच्चे लोग भी यहाँ पर बैठ चुके हैं खाने के लिए, ये देखिए। तो चलिए दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी।